नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। याद कीजिए 2021, यही वो बिल्डिंग है, यही वो आइसोलेशन है जहां लोग पटापट गिर रहे थे, मर रहे थे, इलाज चल रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यहां से लेकर वहां तक मारामारी चल रही थी। और हम आपको दिखा दें उस समय की जो स्थिति थी कितनी भयावह थी। यहां पर लोग परेशान थे, परिजन परेशान थे। और यहां पर जो 5 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर के सभी फ्लोर पर मरीज भरे हुए थे, यानी 120 बेड पर मरीज थे और ऑक्सीजन को लेकर के पूरी तरह मारामारी चल रही थी। एक चीज़ क्या 2021 में क्या स्थिति थी यहाँ की? 2021 में बहुत बहुत से बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। अभी भी फिर शुरू हो गया है पॉजिटिव आने का। एंटीजन में बहुत पॉजिटिव आ रहा है, आर्टिफिशियल जो मैं उसमें भी किसी का निगेटिव आ जाता है, किसी का पॉजिटिव आ जाता है। प्रत्येक दिन कितना का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? अभी प्रत्येक दिन हो जाता है, फर्स्ट टाइम में आपको 50 आ जाता है। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम। कितने शिफ्ट में हो रहा है? 2 शिफ्ट में। अभी 3 सेकंड नाइट हो नहीं पा रहा है, इसीलिए नाइट में नहीं हो पाता है। तो 5 सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक आते हैं। एवरेज कितना होता है प्रत्येक दिन? प्रत्येक दिन आपको हो जाता है 60-70 बढ़ रहा है। औसतन कितना आ रहा है पॉजिटिव? आज जैसे हुआ है अभी तक काटे हैं 36 को काटा है। अच्छा, हाँ। औसतन पॉजिटिव कितना आता है? एंटीजन में अभी पॉजिटिव निकला है आपको, आज नहीं हो तो बहुत इधर से इधर आया एंटीजन में, तो 15-20 आ गया। हाँ, एंटीजन में आया। अच्छा, रिपोर्ट कितना में, आरटीपीसीआर कितना देर में आ जाता है, कितना दिन में आ रहा है? आरटीपीसीआर हम लोग का 72 घंटे के अंदर मिल जाता है। जैसे आज करवाया है, आरटीपीसीआर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों मिल जाता है। क्योंकि लैब में जाते हैं, फिर टेंशन सब जाँच उच करके नाइट में अपना अति करके फिर थी। जहाँ पर उस समय आपका आईसीयू भी फंक्शन में नहीं था ना, वहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए एक चीज़ दिखा दो यहाँ पर, देखिए हालांकि हर बेड पर जो है सो लगा हुआ है, पाइपलाइन से ऑक्सीजन जा चुका है। हमारे साथ अकीला मधुबा भी दिखाएंगे, लेकिन हम पहले बता देंगे, ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी रेडी है और बेड पर पाइपलाइन के जरिए वो भी तैयार हो जा रहा है। अभी देखिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आ जाने के बाद भी आरटीपीसीआर ही उनका प्रमुख होता है। ये देखिए कि हम बता दें कि औसतन जो है वो बढ़ रहा है, मतलब लोग जांच कराने अधिक आ रहे हैं। मौसम जो है सर्दी खांसी बुखार का अलग हो रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है, कई लोग होम आइसोलेशन में होकर ठीक हो जा रहे हैं, फिर भी लोगों में एक डर और दहशत है कहीं हमको कोरोना तो नहीं हुआ, क्योंकि घर परिवार में लोग बचने के लिए कोशिश करते हैं कि आप जाँच करा लीजिए एक बार ताकि घर में आप रह सकें। तो देखिए इस तरह की जाँच, लगातार जाँच प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। देखिए एंटीजन में बहुत से लोग पॉजिटिव आते हैं, लेकिन जब आरटीपीसीआर टेस्ट होता है तो उतने लोग पॉजिटिव नहीं हैं, यानी कि उसका 10-15% ही लोग पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए एक मिनट जरा अकेले, एक मिनट बताइएगा जरा थोड़ा सा कि क्या अभी एंटीजन और जो ये है आरटीपीसीआर में क्या अंतर आ रहा है रिपोर्ट में? अभी बहुत सारे ऐसे भी है यहाँ पे मरीज आए हुए हैं जो फ्लू काउंटर पे एंटीजन टेस्ट कराए हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और उसमें पॉजिटिव आए हैं। लेकिन अभी ये सारे लोग का सैंपल ले जा करके माइक्रोबायोलॉजी में, वहाँ विभाग में जो है आरटीपीसीआर जांच होगा और वहाँ से पता चलेगा कि इन लोगों का फाइनली रिपोर्ट क्या है। पिछले 3-4 दिन या 1 सप्ताह का क्या रेशियो एवरेज आ रहा है? अभी तो ज़्यादातर जो एंटीजन में पॉजिटिव आता है वो आरटीपीसीआर में निगेटिव ही आ रहा है ज़्यादातर। जैसे कि 5 अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो मुश्किल से 2 पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अब न्यू सर्दी खांसी बुखार नया वेरिएंट होगा, इसके भी कारण हो सकता है। क्या है इसका, क्या असर पड़ रहा है कि होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं? नहीं, अभी जो पॉजिटिव आ रहे हैं तो थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार के लक्षण है जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वैसे लोग अपना होम क्वारंटीन है। कुछ अधिकारियों के आए थे पॉजिटिव, पहले आए थे फिर क्या निगेटिव आए? हाँ, जैसे कि अभी कल आया 11 जो थे अधिकारी, बड़े अधिकारी, तो उन लोग का टेस्ट हुआ था तो उसमें एंटीजन में पॉजिटिव आए, लेकिन यहाँ सारे लोग का निगेटिव है। बता दें अकील अहमद, लगातार देखिए कि इनके कंधों पर भी बड़ी जवाबदेही है। और हम आपको बता देंगे कि दरभंगा के जो मरीजों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा था लेकिन हुआ नहीं, कई जगह वगैरह कई कमी रह गई थी। और यहाँ हम बता दें पूरी तरह यहाँ लोग तैयार थे उस समय ये चला भी नहीं। कल तो डॉक्टर दामोदर ने ड्राई रन भी कराया है आईसीयू का, आपको हम बाहर से दिखा देंगे कि पिछले साल नहीं था तो इस बार 120 बेड आई जो है ऊपर में है तैयार, 136 आईसीयू है, वो भी देखिए पूरी तरह, यहाँ से देखिए पूरी तरह तैयार हैं।
36 आईसीयू हैं। कल डॉक्टर दामोदर ने खुद इसका ड्राई रन किया था कि पूरी तरह ये तैयार है। देखिए हमने बाहर देखा है, बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर भी था, और आप दिखाइए हर एक बेड पर जो है सो पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन का सप्लाई है। यानी इस बार वो भयावह स्थिति नहीं आने देना चाहती है सरकार और जिला प्रशासन। यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है, एक मिनट, कितने लोग, कितने शिफ्ट में? 3 शिफ्ट में है। हाँ, मॉर्निंग में है 7 से 1, और इवनिंग में है 1 से 7, और रात में है 7 से 7। अच्छा, कितने ये कल ड्राई रन हुआ था, क्या उसमें टेस्ट हुआ था? अब उस टाइम में हमारी ड्यूटी पे टाइम में नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया है नहीं। बट लेकिन सारे लोग आए थे, चेक इन किए थे, पूरा ऑक्सीजन वगैरह भी सप्लाई वगैरह चेक किया गया था कि ऑक्सीजन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारा वेंटिलेटर का भी मॉनिटर वगैरह। सब वेंटिलेटर काम कर रहा है? जी हाँ सर, लोगों ने अपने देख के अपना गए हैं। जो यहाँ पर दवा ववा किट उड़ दिया गया है? हाँ, सब चीज़ है हम लोगों के पास, अगर पेशेंट आता है तो हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सारा इंजेक्शन वगैरह सारा सामान वगैरह। अच्छा, आप लोग को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है कि इस बार जो पिछले बार से अलग था, पिछले बार जो स्थिति थी भयावह से, तो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है आप लोग को? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ ट्रेनिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई मरीज तो नहीं है? नहीं, अभी यहाँ पे कोई मरीज नहीं। सूचना है कि आ सकता है आप? हाँ, सूचना है आ सकता है, लेकिन अभी कोई आया नहीं है। तो हम बता दें ड्राई रन हो चुका है ये इस बार, क्योंकि 2021 में ये आपका तैयार नहीं था। उस इसी को लेकर के कई बार सवाल पूछे जा रहे थे सरकार से, लेकिन इस बार पूरी तरह तैयार का ट्रेंड है, उसी हिसाब से यहाँ भी केस बढ़ रहा है। कल का लगभग 18% पॉजिटिविटी रेट, तो संक्रमण का तो खतरा है ही, और जिस मरीज को ज़रूरत होगी तो उसके हिसाब से यदि मेडिकल एड की चाहे आइसोलेशन में भर्ती करने की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर उसको एसेस करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भर्ती करेंगे। यहाँ व्यवस्था सर, बेड कितना अवेलेबल है अभी? 120 ऑक्सीजन बेड है और 25 वेंटिलेटर बेड, 20 हैं, सभी ऑक्सीजन बेड सुसज्जित हैं, और वेंटिलेटर बेड भी आईसीयू में 24 बेड हैं, वो भी वेंटिलेटर सभी फंक्शनिंग हैं, डॉक्टर्स का रोस्टर बना हुआ है। ज़रूरत होने पर जो ही मरीज यहाँ एडमिट होंगे सारे लोग यहाँ पर जुट जाएंगे और उनका भलीभांति इलाज होगा। मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक हैं, और ज़्यादातर अभी तक तो सभी एसिम्प्टोमेटिक ही मिले हैं, तो उनको होम आइसोलेशन की का सलाह दिया गया है, और उनको मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, भीड़ भाड़ की जगह पर नहीं जाने के लिए, अपने घर में ही रहें, घर के परिवार के अन्य लोगों से दूर रहें, हाथ अपना धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, इसकी सलाह दी जा रही है। यार है यही नहीं, बेड पर जो है सो आप देख सकते हैं कि किस तरह हर बेड पर जो पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यापक व्यवस्था है, इसके अलावा सिलेंडर है, मॉनिटर है, वेंटिलेटर सारा काम कर रहा है। इसीलिए इस बार दरभंगा DMCH पूरी तरह तैयार है आपके लिए। हम आपको हर अपडेट दिखाएंगे दरभंगा DMCH में। 52 मरीज की सूचना है, लेकिन हम बता दें बहुत से ऐसे हैं जो एंटीजन में पॉजिटिव आए हैं लेकिन RT-PCR में निगेटिव। हम आपको दिखा देंगे, लगातार दिखाएंगे। यही वो आइसोलेशन है जहाँ पिछली बार मौत का कहर था, लेकिन यही वो आइसोलेशन है जो इस बार सज धज कर तैयार है, हर इक्विपमेंट के साथ, हर संसाधन के साथ आपकी जान बचाने के लिए।